नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं पुंदर कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 13 नवंबर। 13 नवंबर से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जिस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है उस देश का नाम है बोलीविया। बोलीविया के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इवो मोरोलेस राष्ट्रपति का नाम है। इवो मोरोलेस बोलीविया के राष्ट्रपति है। हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोलीविया जो है वह दक्षिण अमेरिकी का एक छोटा सा राज्य देश है। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया है? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो होगा जस्टिस संजय करोल। जस्टिस संजय करोल ने पटना के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है। और इनको शपथ किसने दिलवाया है? तो बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान ने इन्हें राजभवन में शपथ दिलवाया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो बीजेपी की जो सरकार है अभी मोदी सरकार 2 है, वो एनडीए उसका नाम है और एनडीए में एक पार्टी थी शिवसेना। तो महाराष्ट्र में सत्ता के गठजोड़ के कारण दोनों के बीच का जो गठबंधन था वो टूट गया है। इसके चलते शिवसेना कोटे के जो मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उस मंत्री का नाम क्या है? उस मंत्री का नाम है अरविंद सावंत। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हुनर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हुनर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। और हुनर केंद्र आखिरकार है क्या? तो देशी शिल्पकारों और हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा हुनर केंद्र स्थापित करने की योजना की गई है। प्रत्येक राज्य में हुनर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका जवाब होगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाजी में भारत को 13वां कोटा किस खिलाड़ी ने दिलवाया है? 13वां कोटा, तो किस कोटे की हम बात कर रहे हैं? तो ओलंपिक का 13वां कोटा। निशानेबाजी में भारत के किस खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक में 13वां कोटा दिलवाया है? तो इसका जवाब होगा ऐश्वर्य तोमर। निशानेबाजी में इन्होंने भारत को 13वां कोटा दिलवाया है आगामी वर्षों में जो ओलंपिक खेल होना है उसके लिए। दोहा में एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था जिसमें इन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता और कांस्य पदक जीतने के साथ ही इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय मामलों पर संसद की अस्थायी समिति के लिए किसे नामित किया गया है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नामित किया गया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अस्थायी समिति के लिए नामित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किन 2 सैन्य बल के विलय का प्रस्ताव दिया है? तो इसका जवाब होगा असम राइफल्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस। असम राइफल्स
और असम राइफल्स के बाद कौन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसको आईटीबीपी भी कहते हैं, इसको आईटीबीपी भी कहा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। असम राइफल का की स्थापना कब हुई, तो असम राइफल की स्थापना हुई थी साल 1835 में, 1835 में। और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी साल 1962 में, 1962 में। आपसे किसी भी परीक्षा में अगर पूछ दिया गया कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई या फिर असम राइफल की स्थापना कब हुई, तो अब आप उस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन मां का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है। तो ऑपरेशन मां का संबंध जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य था, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो इस तरीके से भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है। ऑपरेशन मां आखिरकार है क्या, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति, वहां के युवा अपना राह भटक करके अगर उन्होंने आतंक का रास्ता पकड़ लिया है, तो उनके पुनर्स्थापन के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन मां चलाया जा रहा था, जिसके तहत उनका फिर से, उनको फिर से पुनर्वासित किया जा रहा था। और इस ऑपरेशन के तहत वहां के वैसे युवा जो आतंक का राह पकड़ चुके हैं, ऑपरेशन मां के तहत आतंकवाद का राह छोड़कर, आतंक का राह छोड़कर फिर से अपने उसी जिंदगी में वापस आते हैं जिसमें वो पहले थे। तो अभी तक 2019 में 50 ऐसे युवा हैं जिनको ऑपरेशन मां के तहत उनके पुराने जिंदगी में वापस लाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच पहला त्रिसेना युद्धाभ्यास टाइगर ट्रैम्प्स का आयोजन कहां किया जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहला त्रिसेना युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है, टाइगर ट्रैम्प्स। इसका आयोजन कहां किया जाना है, तो इसका आयोजन होना है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन होना है। और ये जो युद्धाभ्यास है किसके तहत संचालित होगा, तो यह संचालित होगा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तहत। और इसमें, इससे संबंधित एक और फैक्ट हम आपको बता दें, इसमें जो ये जो युद्धाभ्यास होना है, इसमें अमेरिका के 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और भारत के 500 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अब हमारा सफर पहुंच चुका है आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन पर। आज का हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन है, शिल्पोत्सव 2019 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका आयोजन जो है वह नई दिल्ली में हो रहा है और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, क्वेश्चन ये है। तो इसका जवाब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत शिल्पोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। दोस्तों अब बारी आती है आपसे विदा लेने की, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे जो सवाल जवाब का दौर चलता है वह चलेगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम आपको जवाब दे दें। प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा गया था भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 अक्टूबर 1958 तक था। दूसरा क्वेश्चन आपसे था ए हार्ट फुल ऑफ बर्डन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है टी एन सेशन।
जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे था एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की, तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बोलिविया के जिस राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब बताना है। इसके बाद आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, अरविंद सावंत जिन्होंने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है ये किस मंत्रालय में मंत्री थे। और आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है। आपके लिए यही तीन क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अभी हम आपको जो पढ़ा रहे थे इसका पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित होता है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप नियमित रूप से जो नोट्स बनाते हैं करेंट अफेयर का इसको यूं ही जारी रखिए। और एक और सलाह हम आपको देना चाहेंगे कि आप नियमित रूप से न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका फेवरेट न्यूज़पेपर कौन है, उसके बाद फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है करेंट अफेयर के लिए और कौन सा न्यूज चैनल आपको देखना है। फिर आपसे होगी अगले वीडियो में मुलाकात, तब तक धन्यवाद।